तो गाइस सामने जो बाइक देख रहे हो BMW की R18 है, बॉक्सर इंजन है जैसे कि आप देख पा रहे हो और 1800 cc का ये मॉन्स्टर है। तो आज इस बाइक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बाइक कैसी है, किस लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्री ओन में भी बाइक मिलती है, मार्केट में काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो बाइक बहुत यूज है, बहुत बड़ी है, आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। सो गाइज ये जो बाइक है ऑलमोस्ट 1800 cc की बाइक है विद बॉक्सर इंजन, BMW का जो पेटेंट इंजन है, एंड बहुत बड़ी बाइक है, बहुत मस्कुलर है देखने के अंदर, बट टैंक अगर मैं देखूँ, सीट अगर देखूँ तो बहुत लीनियर है। एक सबसे अच्छी चीज़ आपको इस बाइक की लग रही होगी, वो लग रही होगी इसके एग्जॉस्ट, जो कि फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, बहुत अच्छे हैं, ये कंपनी के स्टॉक एग्जॉस्ट है। और इस बाइक के अंदर आता है आपका एक सबसे अच्छी चीज़ जो है कीलेस एंट्री। की मैं दिखाना चाहूँगा, ये फर्स्ट एडिशन है, की आप देखिए एक बार, बिल्कुल मतलब फ्यूचरिस्टिक सी की है। और यहाँ पे इसमें बटन है DRL के लिए, और इसमें आप की है जिसके आप स्टीयरिंग मतलब हैंडल को आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। तो की भी बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा था बाकी नॉर्मल BMW की कीज़ आती हैं वैसी है, स्क्वायर में, बट ये स्क्वायर नहीं है, बहुत अच्छी की है। और ये जो बाइक है ये बहुत शानदार बाइक है, बट फिर भी मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती नहीं है। प्रियोन के अंदर मिलती है बट ज़्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि ये बाइक हर किसी को समझ नहीं आती। तो गाइस ये जो बाइक है ये BMW की जो R18 आती है, इसके अंदर चार वेरिएंट आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड, एक आता है फर्स्ट एडिशन, एक आता है 100th edition, एक जो करंटली जो लॉन्च है वो ट्रांसकॉन्टिनेंटल, जिसके अंदर आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, फेयरिंग देखने के लिए मिल जाती है, और टूर पैक देखने के लिए मिल जाता है। इंजन सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, बस खाली फेयरिंग का फर्क है और पीछे टूर पैक का, सैडल बैग्स का इसका फर्क है। तो उसके अंदर भी आपको मार्शल के स्पीकर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये जो बाइक है जो नहीं पड़ती है समवेयर अराउंड, ये बाइक जो आज डेट में आ रही है अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, जो थी ये 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपए भी खर्च करने के बावजूद मैं इस बाइक में लेके कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हूँ BMW की साइड से, क्योंकि इस बाइक के अंदर क्रूज कंट्रोल आपको देखने के लिए नहीं मिलता, जैसे कि शिव इधर एक बार दिखा देते हैं सर को, क्योंकि सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, सारे फीचर्स आते हैं, इसमें मोड्स आते हैं अलग अलग, रॉक एंड रोल, इसमें तो तीन मोड्स हैं, रेन मोड है जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर रेन है, अगर स्लिपरी वेदर है, दूसरा आता है रॉक रोल एंड रोल, तो ये तीन वेरिएंट आते हैं जिसमें कि थोड़ा सा ट्रैक्शन कंट्रोल का फर्क है, पावर ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, ट्रैक्शन का फर्क है, ट्रैक्शन ज़्यादा होता है कम होता है। और 89 bhp के आसपास प्रोड्यूस करती है 158 Nm टॉर्क के साथ ये बाइक, एंड पावर फिगर भी कुछ खास नहीं है, बट लेकिन जो बॉक्सर का फील है, जो बॉक्सर लवर है इंजन की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत अल्टीमेट है, पावर बहुत अच्छी है, मतलब लग रहा होगा 89 bhp कुछ भी नहीं होती, बट अगर आप कुछ लेकर निकलोगे रोड के ऊपर तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ चला रहा हूँ। बट बाइक गाइज बहुत लंबी है, बहुत लेंथी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बाइक की लगी इसकी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जैसे दिखाता हूँ आपके BMW की कैलिपर है स्टॉक जो कि आते हैं, जिसकी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया आती है। और इसके अलावा इस बाइक के अंदर डुअल डिस्क आपको देखने को मिल जाती है और 800 cc की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइज ये जो बाइक है ना मार्केट में प्रियोन में 16 लाख 17 लाख की रेंज में इजिली अवेलेबल है, मतलब ईजिली तो नहीं है बट है, बट ये बाइक लेने का वर्थ है नहीं है, क्योंकि देखो बॉक्सर लवर हो, कलेक्टेबल बाइक चाहिए और कभी कभी चलानी, तो मैं इस बाइक को रेकमेंड करता हूँ। इसके अलावा इस बाइक को मैं रेकमेंड नहीं करता, इससे बेटर मेरे को फैटबॉय लगती है। फैटबॉय के अंदर क्या आपको आवाज़ देखने के लिए मिल जाती है, आवाज़ आपको इसमें मिल जाएगी बट वो वाली फील नहीं मिलेगी जो कि एक क्रूज़र में प्रॉपर में फील होती है, क्योंकि क्रूज़र का एक्चुअल मज़ा वो हार्ले के साथ ही आता है। हार्ले में आपको क्या है ना, हार्ले के अंदर आपको एक पावर, एक ब्रांड वैल्यू इसकी भी बहुत अच्छी है, बट उसके अंदर आपको फील, पंचनेस एक अलग ही मिलती है। और उसके अंदर आप स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा लो, कोई भी बेंसन 9 या स्क्रीमिंग ईगल, तो अलग ही फील देते हैं। अच्छी में फैट बॉय से मैं इस बाइक को कंपेयर करूंगा। फैट बॉय जो नहीं आ रही है वो समवेयर अराउंड आपकी 29 लाख 28 लाख रुपए के आसपास ऑनरोड पड़ रही है, और ये जो बाइक आपको प्रीमियम में मिलेगी ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए की। अगर आप कलेक्टर हो, अगर आपको बाइक्स का शौक है तो इस बाइक आपके लिए ज़रूर बनी है, क्योंकि बाइक की जो फिट एंड फिनिश है, जो लुक्स है वो बहुत कातिल है, बहुत अनलिमिटेड है। और अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट इस बाइक की, मैंने अभी करंटली सर्विस कराया इस बाइक को, जिनकी ये बाइक है मैंने ही सर्विस कराया, तो सर्विस में जो इसका एक्सपेंस आया वो आया शोरूम पे 16,000 रुपये की सर्विस हुई है। प्लस इसके अंदर सबसे एक्सपेंसिव चीज़ मुझे लगी वो इसकी बैटरी गाइस, समवेयर अराउंड 27,000 की इसकी बैटरी है। इसमें सर्विस, बैटरी और इसके रियल डिस्पैच तीनों का जो खर्चा आया ना ऑलमोस्ट 54,000 आया। मेरा बिल भी बढ़ा है, मैं आपको बोलोगे तो दिखा भी दूंगा, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि पर ब्रांड वैल्यू है, BMW है, R18 है, तो ऑफकोर्स बनती है। बट गाइस मार्केट के अंदर ये बाइक अवेलेबल है, बट आपका डिसीजन देखना है कि आपको ये बाइक लेनी है, क्योंकि ये बाइक वही लोग लेते हैं जिनको चाहिए R18 है, जिनको कुछ और चाहिए नहीं, जिनको R18 ही चाहिए। तो लेने से पहले अगर आपको R18 देखने में अच्छी लग रही है, आपने कभी चलाई नहीं है, तो एक बार रुक जाइएगा, डिसीजन ले लीजिएगा, लेने से पहले एक बार चला लीजिएगा, क्योंकि बाइक हो सकता है आपको ये बाइक पसंद आए, हो सकता है ना आए, क्योंकि ये बात आपको चलाने के बाद ही पता लगेगी। फैट बॉय भी मैं कंसीडर करता हूँ, फैट बॉब भी मैं कंसीडर करता हूँ, और भी जितने भी क्रूजर है मैं सभी रेकमेंड करता हूँ, बट ये बाइक एक बार लेने से पहले मेक श्योर एक बार चला लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि
बाइक बहुत अलग बिहेव करती है, अलग पावर है, अलग परफॉर्मेंस है, सब कुछ इस बाइक का बहुत अलग है क्रूजर मतलब क्रूजर बाइक के अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ तो। बाकी मेक श्योर आपकी डिसीजन है, आपका कॉल है। तो बाइक के अंदर छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी है, जैसे कि आप दिखाता हूँ आपको फिश, इसके फिश टेल के ये जो एग्जॉस्ट है ये लुक्स में बहुत शानदार लगते हैं। और ये शाफ्ट ड्रिवन आती है, इसमें शाफ्ट लगी हुई है तो ये आपको थोड़ा यूनिक लग रहा होगा, इसके अंदर शाफ्ट लगी है। एक इसके अंदर जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल बाइक आती है जो सेम इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसके अंदर आपको रिवर्स गियर भी देखने के लिए मिल जाता है। रिवर्स गियर क्या है, जो कि मोटर बेस्ड है, जो कि बीएमडब्ल्यू की बाकी बाइक्स में भी आता है, बीएमडब्ल्यू बैगर, जीटीएल, ग्रैंड अमेरिका, इनके अंदर भी वो रिवर्स गियर आता है। तो सेम रिवर्स गियर आपको टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसकॉन्टिनेंटल के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। बट मेक श्योर लोग इसके अंदर भी फेयरिंग लगा के बड़ी वाली इसको भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल बना लेंगे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल होने लग गए हैं। और छोटी छोटी चीज़ जैसे कि मैं ये जो उसका इंजन का जो क्रोम है ये बड़ा शानदार है, ये 1800 सीसी की जो बैजिंग है यार ये बड़ी कूल लगती है, और क्रोम बड़ा अच्छा है बाइक के अंदर। जैसे कि आप टैंक देखोगे ना इधर से आके, ये सिर्फ टैंक दिखा रहे, टैंक बड़ा ना स्लीक सा है, मतलब बिल्कुल शेप में है, ऐसा कोई बड़ा कोई ब्रॉड कोई वैसा टैंक नहीं है। और नॉर्मल इसके अंदर कोई लॉक वाला वो नहीं आता, फ्यूल टैंक भी इसमें जैसे कि नॉर्मल आता है वैसा ही है, इसकी हार्लीज में आता है सेम। और इसके अलावा इस बाइक के अंदर यार क्रूज कंट्रोल की मिसिंग है, हाइड्रोलिक क्लच आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और ये मेरे को एक्सपेक्ट था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बट हाइड्रोलिक क्लच इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके जो लीवर्स है, जो पूरा मास्टर सिलेंडर है पूरा क्रोम है, जो कि आपको देखने के लिए लग रहा होगा। और ये एडजस्टेबल भी है और बड़ा मतलब शानदार है यार, मतलब छोटी छोटी चीज़ देखो, इसको ऐसे पार की तरफ पुश करके आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसका जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत शानदार है। इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ, इंडिकेटर्स भी इसके एलईडी हैं प्रॉपर, देखो प्रॉपर एलईडी इंडिकेटर्स, और बड़े शानदार लगते हैं। अगर मैं रिवर्स से भी दिखाऊँ तो रिवर्स से भी बहुत बढ़िया है। शिव एक बार रिवर्स से दिखा, देखो ये इंडिकेटर इसके यार बड़े शानदार है। इसमें मैं ब्रेक लाइट भी आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, क्योंकि ब्रेक लाइट भी इसकी इंडिकेटर्स के अंदर ही है, जैसे कि हार्डलीज के अंदर आती है। और टायर सेक्शन की बात करूँ तो टायर इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर, इसका जो टायर साइज है वो है ऑलमोस्ट 180 लग रहा था, बट फिर भी मैं चेक कर रहा था। और इसका मेरे को एक चीज़ सबसे डर एक लग रही है, इसमें ये शायद ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस नहीं है, क्योंकि ये अगर पंचर हो गई ना तो इसके जो नट बोल्ट ऐसे हैं स्टार कीज़ हैं जो कि बाहर खुलेंगे में नहीं, तो ये पंचर हो गए तो आपको ये हार्ले में हार्ले बोल रहा हूँ बीएमडब्ल्यू में ले जानी पड़ेगी, या एटलीस्ट अच्छे टेक्नीशियन के पास ले जानी पड़ेगी जो इसका पंचर लगा पाए। और इस बाइक को अगर आप ओन करते हो तो इस बाइक के अंदर आप आउटेक्स जरूर करा लीजिएगा, अगर आउटेक्स नहीं हुई जहाँ खड़ी हो गई वहीं परेशान हो जाओगी। आउटेक्स होगी तो एक बेनिफिट है कि आप उसमें हवा डलवा के आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर तक जा सकते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है आउटेक्स का, जो कि आप जो भी इस बाइक को लेगा वो करा लीजिएगा। और कुछ खास इसके अंदर चीज़ें मुझे अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पे इसके अंदर चार्जर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप चार्जर लगा सकते हो, आपका नॉर्मल जो बीएमडब्ल्यू में सभी बाइक्स के अंदर आता है यहाँ चार्जर लगा सकते हो। और इसके अंदर और तो ऐसी कोई खास चीज़ लगी नहीं मुझे, बाकी मीन्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही नॉर्मल जैसा पुरानी जो बीएमडब्ल्यू की R19 वगैरह में आता था सेम है। तो गाइस बाइक ओवरऑल अच्छी है, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, बट लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को पसंद नहीं आई है, क्योंकि मैं हालांकि बाइक सारी अच्छी होती है बट अपना अपना टेस्ट होता है। बट जिस बाइक को जिस भी पर्सन को R18 चाहिए उसको R18 ही चाहिए, तो उन लोगों के लिए बाइक बनी है, कलेक्टर बाइक है एंड बहुत शानदार चलती है, मतलब आप इसको 100-200 किलोमीटर इजीली रन कर सकते हो एंड संडे राइड वगैरह इजीली कर सकते हो, और जहाँ भी जाएगी वहाँ इसकी अटेंशन ग्रैप अलग ही होती है, क्योंकि जो इंजन है जो बॉक्सर इंजन है वो अलग ही फील देता है। जहाँ भी जाके खड़ी कर दोगे लोग आके पूछते हैं भैया कौन सी बाइक है, कौन सी बाइक, कौन सी बाइक है, तो ये एडवांटेज उस बाइक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस मेरी तरफ से इतना था, और ये एवरेज भी समवेयर अराउंड अगर मैं बोलूँ तो 17 लीटर 18 लीटर के आसपास पर लीटर आपके पास एवरेज देती है, और 16 लीटर का टैंक है इसका जो कि आपको 18-19 के आसपास 17 लीटर मतलब 17 के आसपास एवरेज इजीली दे देता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस बाइक में बताने के लिए, जितना था मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, एंड इस तरह की वीडियो आप कौन सी बाइक की पर्टिकुलर चाहते हो, या कोई भी आप सुपर बाइक लेने के लिए निकले हो मार्केट के अंदर प्रियोन, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।